और आपको चलिए तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा की अंतिम यात्रा के दौरान शव जो है वो गांधीनगर मुक्तिधाम पहुंचा है। ये तस्वीरें इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे थे, जहां उनकी माँ के पार्थिव शरीर को लाया गया, वहां अंतिम दर्शन किए, उसके बाद अंतिम यात्रा रथ में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद ये तस्वीरें जब मुक्तिधाम पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा का पार्थिव देह, और अंतिम सफर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन किए, अपनी माँ के पार्थिव शरीर को, पार्थिव देह को कंधा दिया, अंतिम बार अपनी माँ को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सिर्फ हमारी यादों में रह गई हैं, और पूरे देश में जिस तरह से शोक की लहर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत तौर पर क्षति, अपनी माँ को खो दिया, प्रेरणा रही है माँ उनके जीवन में, जिस तरह से माँ हर किसी की पहली गुरु होती है, साथ में प्रेरणा स्रोत भी सभी के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में उनकी माँ प्रेरणा स्रोत के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी एक तरह से कहें तो सहयोग भी रहा है। माँ का जिस तरह से लगातार माँ से मिलने पहुँचा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद, खास मौके पर मुलाकात करने के लिए अपनी माँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचा करते थे, और उस दौरान माँ के हाथों से खाना खाते हुए भी नज़र आते थे, माँ के पैर पखारते हुए नज़र आते थे। और अब ये वो तस्वीरें जो कि भावुक कर देने वाली हैं, अपनी माँ को अंतिम विदाई देने पहुँचे, नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ हीराबा को। और चलिए बीजेपी विधायक चोमू से रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए बड़ी जानकारी सामने आई रामलाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा हमारे बीच में नहीं रही है, अंतिम सफर पर वो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कंधा देते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं, इस दुख की घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस घड़ी के अंदर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों के अंदर स्थान दे और परिवारजनों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रथम पाठशाला भी माँ ही होती है, और दूसरा कि जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करते हुए बच्चों को संस्कारवान बनाना, ये हर माँ के लिए चुनौती है, और उस चुनौती का बखूबी मेरा भाई बहन ने निभाने का काम किया है। मोदी जी ने अपने भाषणों के अंदर भी कई बार अपने माँ के जीवन को लेकर उल्लेख किया है कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, आज भी बचत कैसे की जाती है, घर कैसे चलाया जाता है, पानी को संग्रहण कैसे किया जाता है, उन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने समय समय के ऊपर किया है। तो हर व्यक्ति के जीवन के अंदर माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस अवसर के ऊपर मैं मेरी ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जी रामलाल जी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ से जुड़े कई किस्से ब्लॉग में शेयर किए थे, और शीर्षक माँ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया था कि किस तरह से उनकी माँ का बचपन कठिनाई उसे भरा हुआ बीता है, क्योंकि उनकी माँ ने अपनी माँ को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नानी को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लालन पोषण किया, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए, तो इस माँ बेटे के रिश्ते को किस तरह से देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री हैं वो देश के, लेकिन माँ के साथ उनका जिस तरह से रिश्ता रहा है वो बेहद ही खास रहा है। देखिए मोदी जी ने समय समय के ऊपर माँ से जुड़े हुए किस्सों को और उनके दिए हुए आज्ञाओं को अक्सर से पालन करने का काम किया, उन्होंने जीवन के अंदर माँ के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने का भी काम किया, और बुद्धि के आधार के ऊपर निर्णय करना और अपने जीवन को श्रेष्ठता बनाए रखना, ये उनके उद्देश्य और उनको मोदी जी ने अक्सर से जीवन में पालन करने का काम किया। तो निश्चित रूप से उस कमी की पूर्ति तो कर नहीं सकता, लेकिन ये भी सत्य है कि मृत्यु सत्य है, एक ना एक दिन आनी सत्य की। तो इस दुखद घड़ी के अंदर परिवार को
ये शक्ति, दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रामलाल जी, इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब बुधवार को, क्योंकि उनकी जो माँ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा, उनको मंगलवार को भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे, डॉक्टरों से बातचीत की थी, हाल जाना था, और उसके बाद ये कल जानकारी सामने आ रही थी कि स्वास्थ्य में सुधार है, जिस तरह से डॉक्टरों ने ये बयान दिया था, और उसके बाद आज सुबह एक तरह से पूरे देश में शोक की लहर, उनके निधन की खबर का सामने आना, तो कितना ये झकझोर देने वाला। देखिए, इस उम्र के अंदर भी पूरी दृढ़ता के साथ जीवन यापन करना और पूरे विवेक के साथ लोगों से बातचीत करना, संपर्क करना, अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करना, ये तमाम बातें हीराबाई बहन की प्रमुख थी। और मोदी जी भी जब भी उनसे मिलने के लिए जाते थे, समय निकाल कर वो यही कहते थे कि मैं ठीक हूँ, तुम देश को संभालने का काम करो। तो निश्चित रूप से एक हिम्मत और ताकत वाली सब कि एक माँ इस उम्र के अंदर भी बेटे को जो अपने पास लेने के लिए अपेक्षा और उम्मीद रखती है, वो देश को चलाने की बात करती है, देश को संभालने की बात करती है, तो ये ही संस्कार है जो मोदी जी को ताकत और हिम्मत देते हैं। जी रामलाल जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी माँ को, माँ के पार्थिव देह को कंधा दिया, निश्चित तौर पर देश की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है ही, साथ में माँ को जब अंतिम विदाई दी तो किस तरह से भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आँखें भी नम नजर आई, तो इस पर आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे रामलाल जी? देखिए, यही हमारी सनातन संस्कृति है, इस देश की मिट्टी से जुड़े रहना, पारिवारिक संस्कारों से जुड़े रहना, सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े रहना, यही हमारी संस्कृति है। और मोदी जी ने अपने जीवन के अंदर इन तमाम जो सनातन संस्कृति है उसका पालन करने का काम किया। आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद भी हमारी आस्था के जितने भी केंद्र थे, चाहे हमारे चार धाम की यात्रा हो, चाहे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे हमारे शंकराचार्य हो, चाहे हमारे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, इन सभी सनातन संस्कृति के जो आस्था के केंद्र थे, इन सबको विकसित करने का काम किया। और समय समय के ऊपर एक पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक पुत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक माँ के रूप में किस तरीके से उनकी आज्ञाओं को पालन करना, ये तमाम चीजें मोदी जी ने अपने जीवन के अंदर चित्तार करने का काम किया है। तो देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो एक माँ के बेटे भी है, और माँ के बेटे के रूप में उनको जो दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, वो निर्वहन आज उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़े हैं, वरिष्ठ संवाददाता। ऐश्वर्य, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा हमारे बीच में नहीं रही, अंतिम सफर पर है, लेकिन आज बात प्रधानमंत्री की नहीं की जाएगी, आज बात माँ और बेटे के उस रिश्ते की जाएगी, क्योंकि व्यस्तता के बीच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने पहुंचा करते थे, और आज भी इसी का परिचय दिया, अंतिम सफर के दौरान कंधा देते हुए माँ को नजर आए। ऐश्वर्य, देखिए, न मातु परत देवतम, यानी माँ से बड़ा कोई देवता कुछ नहीं सकता, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है, और देवता का जो स्थूल शरीर है वो छोड़ कर गया है और सूक्ष्म शरीर आशीर्वाद देगा। कोई भी व्यक्ति हो, पीएम मोदी नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और माँ के लिए पुत्र या पुत्री से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। तो इस बात को तय मान कर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचारक बने और जब वो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, तो मैं उनकी माँ की ही बात कर रहा हूँ, ना कि प्रधानमंत्री की, लेकिन उनकी माँ के ही संस्कार रहे, माँ और पिता दोनों के बराबर संस्कार रहते हैं, लेकिन माँ प्रथम गुरु होती है और शुरुआत में जो संस्कार मिलते हैं वो जीवन पर्यंत चलते हैं। यही कारण था कि वो प्रचारक बने और फिर वो निकल गए अपनी यात्रा पर। तो अपनी माँ से जो उन्होंने बचपन में प्रेरणा ली, उस प्रेरणा का प्रतिफल था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी देश और दुनिया में जिस तरीके से नाम है वो किसी से छुपा नहीं है, और माँ के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वो शतायु होकर इस देह को छोड़कर गई है, तो आप ये भी देखिए कि माँ के लिए इससे बड़ी कोई बात इसलिए नहीं हो सकती कि उन्होंने अपने पुत्र को दो बार देश का प्रधानमंत्री बनते देखा है, जो किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़ा, इस दुनिया में कोई भी माँ होगी उसके लिए बहुत बड़ी अनुभूति। अपने पुत्र या पुत्री जब सामान्य से पद पर सामान्य से प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बने एक बार नहीं दो बार, और उन्हें इस बात को लेकर हमेशा उनकी आंखों में खुशी झलकती थी।
एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आता है, नास्ति मात्र सभा छाया, नास्ति मात्र सभा गति, नास्ति मात्र समम प्राणम, नास्ति मात्र समाप्रपाह। मतलब माँ के समान कोई छाया दे ही नहीं सकता, ना माँ के समान कोई आश्रय दे सकता है। माँ जो है इस पूरे ब्रह्मांड की जीवनदायिनी है, तो ये एक बड़ी बात है। और उनका कंधे अपनी माँ को कंधा देकर दिया और देने के बाद उनके कार्यक्रम यथावत रहना, अपने आप के मन को कितना कंट्रोल प्रधानमंत्री करेंगे सोचें। और अब यहाँ से लेकिन उनकी माँ की तस्वीर इस देश के हर एक व्यक्ति के मन में इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी की जब कोई भी तस्वीर अपने ट्विटर पर अपनी माँ के आशीर्वाद लेने जब वो जाते थे तो अक्सर ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अपनी माँ की तस्वीर वो डालते थे। तो माँ के लिए खुशी की बात ये है यहाँ पर शिखा कि उनकी माँ कोई भी पुत्र या पुत्री के नाम से यदि उनके पिता को या माँ को संबोधित किया जाए कि ये उनका इनके पिता है, तो वो उनके लिए गर्व की अनुभूति होती है, बजाय इसके कि ये उनके पुत्र या पुत्री है। मतलब पुत्र के नाम से पिता को या माता को जाना जाए, पुत्री के नाम से पिता या माता को जाना जाए, ये बड़ी बात होती है। ये उनके लिए आजीवन फख्र की बात रही। तो ये एक सीख भी है कि माँ जो है उनके संस्कार किस तरीके से होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी में कई संस्कार ऐसे हैं जो उनकी माँ ही प्रथम गुरु थी, चाहे आध्यात्म का जो संस्कार होता है, आध्यात्म का भाव होता है, वो माँ के ही बचपन में प्राप्त होता है। सबसे बड़ा जो भाव होता है सहयोगिता का और दया का जो भाव होता है वो माँ से प्राप्त होता है। माँ से जो बचपन में भाव प्राप्त होते हैं वो इसी तरीके से प्राप्त होते हैं कि माँ अपने पुत्र को या पुत्री को बचपन में दया, करुणा, सेवा, आध्यात्म, इस तरीके की चीजों को सिखाती है। और माँ ही प्रथम गुरु होती है।